कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। एमपी के खंडवा के मुगट थाने की टीम आज खानसावली क्षेत्र में पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि ईद के त्यौहार को लेकर खानसावली में प्रत्येक वर्ष सीरीज लगाई जाती है एक दरगाह से दूसरी दरगाह तक, और इस बार जो है खंडवा में वीवीआईपी मूवमेंट यानी बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसका कई कारण है, एक तो चुनाव शुरू होने वाला है, इसको लेकर बड़े बड़े नेता मंत्री आने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम आने वाले हैं, ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है और उसका प्रतिमा का अनावरण करना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री सहित बड़े बड़े संत महात्मा भी ओमकारेश्वर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीवीआईपी मूवमेंट होने के चलते जो इस बार सीरीज लगाई जा रही है उस पर पुलिस विभाग ने स्थानीय रहवासियों से कहा है कि इस बार वीवीआईपी मूवमेंट होने के चलते ये जो सीरीज है ये या तो साइड में लगा ली जाए, पुलिस प्रशासन किसी को भी दिक्कत नहीं है, जो स्थान चुना गया है उस स्थान को लेकर दिक्कत है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पोल खड़े किए गए हैं इस पर सीरीज लगेगी। हालांकि स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पोल इतने ऊंचे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां से निकल सकती हैं, ट्रक निकल जाते हैं, बस निकल जाती हैं, ऐसे में छोटी गाड़ियों को यहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें सीरीज लगाने दी जाए। परंतु पुलिस विभाग फिलहाल उन्हें मना कर रहा है, लेकिन आगे और बैठक होने की उम्मीद है, इस विषय पर सामंजस्य बनाने की कोशिश है। आइए स्थानीय पार्षद शब्बीर कादरी ने क्या कहा उनकी बात सुनवाते हैं। क्या हुआ कादरी साहब? ये हजरत खानसली वार्ड क्रमांक 36 के अंदर जो नागचंद मेन रोड के ऊपर जो है जश्न मिलादुल नबी के मौके पर सजावट की जाती है, तो मतलब वो बड़े बड़े मतलब ट्रस लगा के उसको लाइटिंग की जाती है, मतलब जिसमें रागीर को ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई आवागमन में ना किसी वाहन में तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे करता ना टीआई साहब का ये कहना पड़ता है कि ये वीआईपी रोड है, यहाँ पे वीआईपी लोगों आना जाना लगा। सीएम साहब का दौरा है 23-24 तारीख को, मतलब ये जो वीरेंद्र शास्त्री जी जो है मतलब तो वो भी आने वाले हैं, और दूसरी बात ये सीएम साहब का दौरा भी मतलब 25 तारीख को, तो आपसे बोले ये इस पर ये सब नीचे चलेगा, आप साइड में लगा लो, रोड के साइड में कर लो, लेकिन बीच मेन रोड पर नहीं चलेगा। क्या लगाया हुआ आपने ये? इसके अंदर हमने इसके बाद सीरीज लगती है, हर साल लगती है, मतलब अच्छा छत पूरी छत भराती है यहाँ से उधर खानसे दरगाह से लेके मोहम्मदी मस्जिद तक की। अच्छा, ये हमारे साल लगाते हैं इसके अंदर। ओके, तो हमने वाला यहाँ तक कि हमने कोरोना काल में भी लगाया इसके अंदर, हमारे पास तो पूरा इसकी गुजर वक्त नहीं, कोरोना काल में हमने लाइट लगाया, लेकिन इस साल ये कहा जा रहा है भाई चुनावी मौसम है, चुनाव के अंतरिम टाइम है, आचार संहिता लगने वाली है, वीआईपी लोगों का आना जाना लग रहा था, वीआईपी रोड है नागचंद रोड, तो हिसाब से उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बोले आज भी अभी नहीं लगा सकते। तो फिर हिसाब का कहना पड़ता है, क्या निर्णय लिया फिर आपने? निर्णय क्या, हम तो क्या है हमारे जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे शेर काजी साहब बड़े जो है, हमारा यहाँ काजी रियाज सेन साहब है, मौलाना साहब है, सभी लोग से राय मशवरा करके हम फैसला लेंगे। और इसको कोई दिक्कत भी नहीं ना, ये मतलब ऐसा बड़ा वाहन भी जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा लगती है, पहली बार ऐसा थोड़ी लग रही है कि जो है पहली बार लग रही है, इसकी हाइट इतनी है, कितना बड़ा ट्रक जाएगा कोई भी, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें।